हेलो दोस्तों, कमाई का एड्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के बारे में, जिसके पास दोस्तों 100% मोनोपोली है अपने बिजनेस की। यानी कि कंपनी का बिजनेस इतना वैल्यूएबल है कि ये कंपनी पूरे इंडिया में जितने भी डीमैट अकाउंट यूजर है उन सभी के लिए डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करने का कंपनी काम करती है। और प्रॉफिट जो है इस कंपनी के पास ही जाएगा, जितना भी ट्रांजैक्शन यहाँ पर डीमैट अकाउंट के अंदर जो लगातार जो कस्टमर करते हैं उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलता है। अभी यहाँ पर बात आती है कि सर, CDSL यानी कि डिपॉजिटरी सर्विसेज जो प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, इतना अच्छा मोनोपोली होने के बावजूद भी इस कंपनी के अंदर गिरावट क्यों है और ये स्टॉक अभी भी यहाँ पर अच्छे खासे करेक्शन में क्यों अवेलेबल है? तो इसके पीछे ऐसे कौन से रीज़न है दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है और कैसे पैसा बन सकता है और किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप CDSL के बारे में डिटेल को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा इस कंपनी में एक्चुअली हो क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे आप सभी को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने को और समझने को मिलेंगे। और आपका दोस्तों कोई रिकमेंडेशन हो तो ज़रूर बताइए। आप किसी कंपनी के बारे में या किसी न्यू टॉपिक के ऊपर भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कमेंट के अंदर। यहाँ पर हम दोस्तों CDSL इस कंपनी के अंदर जो करेक्शन है उसके पीछे के रीजंस को आइडेंटिफाई यहाँ पर हम पहले करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, इसका जो बिजनेस है वो डिपेंड है देखिए डीमैट अकाउंट पर। यानी कि जो डीमैट अकाउंट के जो कस्टमर है वो जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही इस कंपनी को फायदा मिलेगा। अभी यहाँ पर जिस तरीके से बैंक के अंदर, बैंक के पास कस्टमर जितने अच्छे रहते हैं, जितना अच्छा यहाँ पर कस्टमर बेस रहेगा उतना ही सुपर बैंक को फायदा है, उसी तरीके से इनका भी है। अभी यहाँ पर आप जैसे अच्छे खासे जो पॉइंट मार्केट में देखेंगे चल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको इस कंपनी पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम सभी जानते हैं 2020 में COVID-19 आया, उसके बाद में मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद में लोगों को पता चला कि मार्केट में तो बहुत पैसा बनता है, तब फिर कस्टमर बढ़ गए, इतने सारे कस्टमर बढ़ गए दोस्तों कि इस कंपनी के पास नया रिकॉर्ड बन गया। अभी रिकॉर्ड तो बन गया, फिर उसके बाद में आ गया देखिए मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल। उसके बाद फिर आया अदानी के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन, जिसके अंदर बहुत सा पैसा लोगों का यहाँ पर जो आधे से भी ज़्यादा करेक्ट हो गए थे स्टॉक, तो ये एक स्कैम की तरह निवेशक ने देखा, तो इससे भी बहुत से निवेशक मार्केट से एग्जिट ले चुके हैं। और पिछले 1-1.5 साल से मार्केट में जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसके वजह से भी ये पूरे रीज़न है मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वो परफेक्टली CDSL के ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट करने वाले रीज़न है। और आप देख सकते हैं मार्केट की सिचुएशन ऐसी है बोलकर बहुत से लोग अभी बाहर बैठे हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली धमाका भी दोस्तों आपको आगे देखने को मिलेगा, अब वो कैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। थोड़े और भी कुछ ऐसे रीज़न है जो इस कंपनी के अंदर करेक्शन के लिए हमें यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो जो म्यूचुअल फंड है उनकी सेलिंग, वो लगातार स्टेक सेल कर रहे हैं। और उसी के साथ देखिए CDSL का जो करंट ट्रेडिंग जो यहाँ पर प्राइस है शेयर का, वो यहाँ पर हम मार्केट का जो इंडस्ट्रियल रेशियो है उसके कई गुना यहाँ पर ज़्यादा है। यानी कि वैल्यूएशन से भी स्टॉक महंगा है बोलकर भी करेक्शन आपको दिखाई देगा। एंड दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल एक पॉइंट है जो है कि BSE की सेलिंग, BSE ने यहाँ पर बहुत बड़ा माल बेचा है इस कंपनी के अंदर, इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस कंपनी पर हुआ है। और अभी लेटेस्ट अपडेट भी आए हैं, मैं आपको वो भी कवर कर बताऊंगा। आप जैसे देख सकते हैं BSE डिस इन्वेस्टमेंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑन 7 फरवरी 2023
अनाउंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनाउंस इट्स डिस इन्वेस्टमेंट इन सीडीएसएल, द कंपनी सेड इट विल सेल 2.5 स्टेक इन सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया मीन्स सीडीएसएल, द स्टेक सेल विल टेक प्लेस वाया जो है कौन से सोर्स से, तो ऑफर फॉर सेल, यानी डिस्काउंट में वो बेच रहे हैं, तो इस वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। एंड यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, बीएससी हैड एक्वायर्ड 50.1% स्टेक इन सीडीएसएल ड्यूरिंग दिस इट्स आईपीओ इन 2017, 2017 में जब आईपीओ आया था, बट नॉट कंप्लाई विद द मार्केट रेगुलेटरी, इट हैड टू सेल ऑफ 26.1% of its holding. According to regulations, a stock exchange cannot hold more than 24 of the depository. ऐसे reasons है जो आपको पता होने चाहिए। And latest जो news है मैं आपको भी cover कर बताने वाला हूँ, आप यहाँ पर जरूर देख सकते हैं अभी stock के अंदर actually क्या चल रहा है और किस तरीके से news अभी सामने आ रहे हैं, अभी आपको यहाँ पर news देखने के बाद पता चली जाएगा। ये देखिए, ये कोई पुरानी न्यूज नहीं, 14 जून यानी कि अभी के जो यहाँ पर अभी महीना जो खत्म हुआ है उसके अंदर ही, बीएससी सेल 4.5% स्टेक इन सीडीएसएल, रुपीज कितना देखिए, 468 करोड़ का। इतना बड़ा स्टेक सेल होने के बाद थोड़ा मार्केट के लोग यहाँ पर सोचेंगे ना दोस्तों कि इतना यहाँ पर जो स्टेक सेल हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या, तो कस्टमर कम हो गए। और अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर इस कंपनी में हम ग्रोथ कब देख सकते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर रीज़न जो पता है कि कस्टमर कम तो बिजनेस भी कम, तो इसका बिजनेस बढ़ेगा कब, जब मार्केट में एक्चुअली तेज़ी आना स्टार्ट होगी और मार्केट फटाफट यहाँ पर जो बुल रन में आ जाएगा, तब ये कंपनी बहुत बड़ी आग लगाते हुए आपको मार्केट में नज़र आएगी। ये सबसे प्योरली परफेक्ट रीज़न है इस कंपनी के अंदर ग्रोथ आने का, और ये आपको पता होना चाहिए। टॉप टू बॉटम आज भी यहाँ पर अगर सीडीएसएल का स्टॉक देखेंगे आप, तो ये शेयर आप सभी के लिए बहुत अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है 30% के करीब, तो इस स्टॉक पर नज़र रखना हमारा काम है। फिलहाल इसके अंदर बुलिश मोमेंटम भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ये 1200 से लेकर 1500 के रेंज में भी आपको दिखाई दे सकता है सीडीएसएल कंपनी का शेयर। अभी इसके फंडामेंटल की बात करें या कंपनी के अंदर जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग वगैरह है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत से वेबसाइट पर आपको शेयर होल्डिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर मैं पहले शेयर होल्डिंग आपके आगे रख देता हूँ। जैसे पब्लिक की और प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो काफ़ी चौंकाने वाली है सीडीएसएल कंपनी में। पब्लिक की होल्डिंग है 46%, डीआईएस की होल्डिंग है 25%, प्रमोटर की होल्डिंग है 20% जो सिर्फ यहाँ पर 20% ही, और जो FIS है उनके पास 7%। तो इस तरीके से होल्डिंग है यहाँ पर CDSL इस कंपनी के अंदर जो आप सभी को दिखाई देगी, पब्लिक, DIS, प्रमोटर और FIS। कंपनी का कोई भी शेयर कहीं पर गिर भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। एंड कंपनी के अंदर एक वैल्यूएबल चीज़ नज़र आती है, कंपनी है मिडकैप की, यानी अच्छा खासा बिजनेस स्ट्रक्चर और उसी के साथ कंपनी के पास वैल्यूएबल यहाँ पर परफॉर्मेंस की उम्मीद। DIS, FIS सभी निवेशक इंक्लूड है, इसलिए घबराने की बात नहीं कंपनी में अगर आपके पास हो तो, अगर आपने टॉप लेवल पर ख़रीदा हो तो भी। और यहाँ पर आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, 1.35 का है, यानी डिविडेंड अच्छा खासा कंपनी पे करती है। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 31 का है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी यहाँ पर कंपनी के पास 23 का है। कंपनी में अच्छी बातें हैं सभी, और आप चाहे तो कंपनी के ईयरली बेसिस पर ग्रोथ को भी देख सकते हैं। देखिए सेल्स का परफॉर्मेंस अभी ठीक ठाक है, उतना कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट वाला नहीं है, प्रॉफिट भी वैसे ही देखिए फ्लक्चुएट, तो ये चीज़ें कंपनी पर इम्पैक्ट कर रही है, बाकी कोई चीज़ नहीं है जिसे यहाँ पर हम कह सके कि सीडीएसएल पर इम्पैक्ट हुआ है। तो आई होप दोस्तों ज़्यादा वीडियो तो हम यहाँ पर लंबा खींच भी नहीं सकते, जो पॉइंट है वो तो मैंने आपको बताया एक्चुअली जो चीज़ें चल रही है, काफ़ी लोगों को यहाँ पर पॉइंट पता चल गए होंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा इसका ROC जो अच्छा है इस वजह से भी, एंड कंपनी में जो एबिलिटी उस वजह से भी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी बढ़िया है इसमें कोई भी डाउट नहीं, हम सभी को पता है, सिर्फ नंबर अच्छे
कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा, नंबर खराब कंपनी में भी डाउन ट्रेंड आता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में एक ही चीज़ सपोर्ट करती है, वो सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट और उसका बिजनेस ही। आई होप आप समझ गए क्या क्या हो रहा है और आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच।